हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस लेके आपके समझ छा गई हूँ। आप सभी रेडी हो जाइए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए। डेली बेसिस पर मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपना सफलता हासिल कीजिए। दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही सफलता दिला सकती है। हर बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर बार आपको अपनी गलती नज़र आएगी, हर बार आप उसको सुधारेंगे और करते करते बहुत सारी गलतियाँ आपकी सुधरती जाएंगी और आप एक दिन अवश्य सफल होंगे। तो दोस्तों, बस अपने आप पर विश्वास करिए, अपने मेहनत पर विश्वास करिए और अपने उस परमात्मा पर विश्वास करिए, आप अवश्य सफल होंगे। इसके अलावा किसी और पर विश्वास आप करेंगे तो अवश्य ठगे जाएंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, EMRS हो गया, UPTGT, UPLT, MP वर्ग 2-3 फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड यह स्टेट बिहार का हो ही चुका एंड BPSC जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा हाई स्कूल इंटर का, वो सभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी सेशन पूरे डिटेल में बताया गया है, पूरे डिटेल में जो आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सभी चीज़ों का प्रैक्टिस कराया गया है। सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चनों का 100 से ज़्यादा वीडियोज बनाया गया है और मैं चैप्टर वाइज आपको पिछले साल के सभी क्वेश्चंस को यूथ कंपटीशन में जो भी दिया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारा 11,000 क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसमें से पर्सनालिटी यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मेन कौन टॉपिक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्रेसमार, सेल्डन, हिप्पोक्रेटस, कार्ल जुंग, इससे अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इसमें कभी भी डाउट मत रखिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं अपने स्वयं में रुचि रखते हैं, यानी अंतर्मुखी झेपने वाले, आदर्शवादी, संकोची स्वभाव वाले होते हैं, इस कारण अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते। ये बोलना और मिलना कम पसंद करते हैं, पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, इनकी कार्य क्षमता अधिक होती है, यानी कि ये इंट्रोवर्ट होते हैं। जैसे कि व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट एंड एम्ब्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीन भागों में बांटा है कार्ल जुंग ने। इनका कहना है दोस्तों, जो अंतर्मुखी होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, संकोची होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अध्ययनशील, लज्जाशील, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, प्राकृतिक वातावरण में अधिक रुचि रखते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्ति गणितज्ञ, वैज्ञानिक और दार्शनिक होते हैं अंतर्मुखी वाले। एंड जो बहिर्मुखी होते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, वे वाचाल यानी कि बोलने में ज़्यादा वाचाल होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, समाज सेवी, मिलनसार, जल्दी निर्णय लेने वाले, आशावादी, व्यवहार कुशल और लोकप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता, क्रांतिकारी या व्यापारी होते हैं। एंड जो उभयमुखी होते हैं, एम्ब्रोवर्ट, वो होते हैं आपके दोनों मिक्स, यानी कि दोनों की विशेषताएं एक ही व्यक्ति में पाई जाती हैं, तो उसे उभयमुखी कहा जाता है। इसको बांटे हैं कार्ल जुंग ने, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्रिस्टमर कित वर्गीकरण नहीं है। तो क्रिस्टमर ने चार बॉडी टाइप बांटे थे, कौन कौन से, पिकनिक यानी गोल का है, एथलेटिक यानी शेड्यूल का है, मजबूत शरीर, एंड तीसरा इन्होंने बांटा था एस्थेनिक यानी कि दुबला पतला शरीर, एंड चौथा बांटा था डायस्प्लास्टिक यानी डायस्प्लास्टिक, जो तीनों का विशेषता पाया जाता हो। तो यहाँ पे आपका एस्थेनिक भी है, एथलेटिक भी है, पिकनिक भी है, कोलेरिक नहीं है, क्योंकि कोलेरिक हिप्पोक्रेटस ने बांटा था। हिप्पोक्रेटस का भी कहीं बार बार पूछ लिया जाता है कि हिप्पोक्रेटस ने बॉडी टाइप को कितने बार में भाग में बांटा है, तो चार भागों में, कप प्रवृत्ति वाले यानी कोलेरिक, काले पित्त वाले यानी मेलनकोलिक, पीले पित्त वाले यानी प्लाज्मेटिक एंड अधिक रुधिर वाले यानी सैंग्यूनिक। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ों को डिटेल में देखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आसन विकृति नहीं है। तो विकृति तो यहाँ पे सभी हैं, बट यहाँ पे पूछा है आसन विकृति कौन नहीं है। तो स्कोलियोसिस है, फ्लैट फुट है, नॉक नी है, लार्डोसिस भी आपकी विकृति है, बट यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है आसन विकृति नहीं है। क्या है आसन विकृति, यहाँ पे लार्डोसिस नहीं है। जैसे कि बहुत सारे शारीरिक विकृतियाँ यानी कि
फिजिकल डिफॉर्मिटीज होती हैं जो हमारे कोई जन्मजात होती है कोई बाद में होती हैं, जैसे काइफोसिस होता है जो कुबड़ा जिसे कहते हैं, जिसे राउंड बैक यानी गोल कमर भी कहते हैं, स्पाइन का उदरी क्षेत्र जो हमारा होता है पीछे की ओर निकल जाता है, लार्डोसिस जो है स्पाइन का लुम्बर क्षेत्र यानी कमर वाला क्षेत्र गड्ढा हो जाता है, स्कोलियोसिस जो है स्पाइन की वक्रता हो जाती है, कंधा एक तरफ हिप एक तरफ मुड़ जाता है, फ्लैट फुट जो है चपटा पांव यानी समतल पांव हो जाता है, नाखूनी जो है दोनों घुटने टकराते हैं उसको नाखूनी बोला जाता है। याद रखिएगा सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप मेरे वीडियो को मिस करने का मतलब बहुत सारा चीज़ मिस कर जाएंगे। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मनोभौतिक मन मतलब मन, भौतिक मतलब शरीर फिजिकल, तो मन और शरीर का विकास यहाँ पे क्या हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ को समझिएगा, भौतिक मतलब यहाँ पे शरीर से लिया गया है, तो मनोभौतिक एकता का मतलब होता है मन तथा शरीर का विकास, मन तथा शरीर के विकास। मानव जीवन की मनोभौतिकता एकता यानी साइको फिजिकल यूनिटी ऑफ मन, मन तथा शरीर का विकास माइंड एंड बॉडी डेवलपमेंट कहलाती है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा उसके शरीर मन और आत्मा के पूर्ण रूप से विकास में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? तो आपको पता है किंडरगार्टन पद्धति का विकास फ्रॉवेल ने किया है। एंड एक क्वेश्चन आता है कि खेल विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कालवेल कुक को कहा जाता है। याद रखिएगा दोनों में गलती मत कीजिएगा, जब भी खेल विधि कहे तो कालवेल कुक, किंडर गार्डन इस पर लागू किया था पद्धति को, प्रतिपादक थे फ्रॉवेल। और इस पद्धति में बालकों को खेल गीतों प्ले सॉन्ग और उपहारों गिफ्ट्स के द्वारा शिक्षा दी जाती है। एक गीत प्रायः शिशु खेल और शिशु कार्यों के ऊपर लिखे गए होते हैं। उपहारों में उसे उनकी गेंद, लकड़ी का गोला, लकड़ी के त्रिकोण आदि नाना प्रकार के वस्तुएं दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोगों की भिन्नता विद्यमान है, लोगों की जो भिन्नता है जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति अलग है अपनी सोच में, अपनी बॉडी टाइप में, अपने कार्य में, उसकी क्षमता में, हर एक व्यक्ति अलग है, एक जैसा कोई भी नहीं है, तो किसी को अपने जैसा समझना भी नहीं चाहिए क्योंकि सभी अलग हैं। तो लोगों की भिन्नता विद्यमान है उसके सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता से, किससे? शारीरिक बनावट से, मनोवैज्ञानिक बनावट से, कला तथा योग्यता में, तो यहाँ पे सभी चीज़ों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। शारीरिक बनावट में भी अलग है, मनोवैज्ञानिक बनावट में भी अलग है, कला तथा योग्यता में भी अलग है, यानी सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता से भिन्नता है। स्किनर के अनुसार आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसे मापा जा सकता है, तो इस परिभाषा को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि बुद्धि अंक एक अनुपयुक्त बुद्धि मापक है, जबकि बुद्धि क्या है? पूरी बुद्धि मापक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वेटेंट जिसे हम IQ कहते हैं शॉर्ट में, कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिसे बुद्धि का आकलन किया जाता है। IQ पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस क्वेटेंट से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड बाइनेट के और थियोडोर सियोन द्वारा प्रस्तावित पद्धतियों के लिए किया गया, जो आधुनिक बच्चों के बौद्धिक परीक्षण के लिए अपनाया जाता है। लेकिन इसका सूत्र दिया था दोस्तों MA/CA/100 टर्मन ने, किसने दिया था? टर्मन ने, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शारीरिक विकृति दूसरी विकृति को बढ़ावा देती है, घुटना टकराव किसका निष्कर्ष है? दोस्तों पिछले वीडियो में यही क्वेश्चन आया था जहाँ पे कंफ्यूजन था, जहाँ पे वो जेनु वलगम आपका राइट कर दिया था, लेकिन वो सही नहीं है, यहाँ पे आपका सही निष्कर्ष निकाला गया है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि एक शारीरिक विकृति जो है दूसरी शारीरिक विकृति को प्रभावित या बढ़ाती है, घुटना टकराव जिन्हें नाखूनी कहा जाता है का निष्कर्ष क्या है? तो यहाँ पे चपटा पाँव यानी कि फ्लैट फुट आपका राइट हो जाएगा, चपटा पाँव यानी कि फ्लैट फुट आपका राइट हो जाएगा, यानी कि घुटना टकराव की स्थिति में दूसरी विकृति भी जन्म ले सकती है जैसे कि चपटा पांव। घुटने के आपस में टकराने को सुधारने के लिए घुड़सवारी करना सबसे अच्छे व्यायामों में से एक है, याद रखिएगा। एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन बना सकता है, आप ये मत समझिएगा कि हम MCQ रट लिए हैं तो उसी में से आएगा, जो आपका एक्सप्लेनेशन है
उन थ्योरी में से बीज में से क्वेश्चंस पूछ देगा। जैसे कि आप यस्टेड में देखे ही थे, क्वेश्चन सरल था बट कहाँ से पूछा था, बीज में ही उठा के पूछा था। यानी आप समझे रहेंगे तो चाहे बीच से उठा के पूछे, चाहे अगल से बगल से, चाहे किसी भी प्रकार के तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस को पूछे, आप उसका सही आंसर निकाल लेंगे। इसलिए समझिए, तो घुटने के आपस में टकराने को यानी कि नाकनी को सुधारने के लिए सबसे बेस्ट व्यायाम कौन सा है, घुड़सवारी। दोनों घुटनों के बीच एक तकिया रखें तथा अन्य चीज़ों में क्या है, बेस्ट तो घुड़सवारी है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जनरल चीज़ें जैसे दोनों घुटने के बीच में तकिया रख सकते हैं और कुछ समय के लिए सीधे खड़े हो जाएं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों आपस में मिले हुए नहीं चाहिए पैर। धनुषाकार या बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों से संबंधित व्यायाम, दोनों पैर आपस में मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। यानी कि जो घुटने को टकराने को नाकनी कहते हैं, जबकि घुटने को बाहर निकलने को दोनों तरफ निकल जाता है उसको बाउ लेग कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो बाउ लेग होता है आपस में मिलाकर उसके लिए खड़े हो जाएं। नरम कपड़े के पीस दोनों घुटने के ऊपर स्तर पर कुछ सख्ती से लपेटे या किसी सहयोगी से कसकर बंधवा लें, फिर जहां तक संभव हो सके बैठने का प्रयास करें। कुछ समय के लिए अधिकतम बैठक की स्थिति में रोकने का प्रयास करें, फिर प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। 4 से 6 बार इसी प्रक्रिया को प्रतिदिन दोहराना चाहिए, बाउ लेग के लिए, घुटना बाहर के लिए और घुटना सटने के लिए। आप बीच में तकिया रख सकते हैं और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हो जाएगा घुड़सवारी, याद रखिएगा। दोस्तों मैं इतना आपके लिए मेहनत करती हूँ, इतना आपके एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ कि उस क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। तो आप भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरा देखिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था सूचक है। तो किसी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था सूचक है, किसका सूचक है दोस्तों, व्यक्तित्व का। हम किसी शरीर के ढांचे को देख के बता सकते हैं, उसका चरित्र, उसका योग्यता, सब कुछ आ जाता है उसमें, तो वो व्यक्तित्व का सूचक है। यानी किसी की शारीरिक अवस्था व्यक्तित्व को या पर्सनालिटी को प्रथम दृष्टया सूचक करता है। यानी कि वो जैसे प्राथमिक चीजें आपको, किसी को आप देखेंगे तो प्रथम चीज उसका पर्सनालिटी, उसका शरीर ही दिखता है, और उसके बाद आपका सेकेंडरी चीज जैसे कि उसका चरित्र कैसा है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी कलाएं क्या है, व्यवहार कैसा है, ये सब इस चीज पर्सनालिटी में आती है। बट सबसे पहले आपको किसी से मिलेंगे तो दिखता है उसका शरीर ही। तो किसी की शारीरिक अवस्था किसका सूचक है, व्यक्तित्व का। व्यक्ति का चाल, शारीरिक एक्शन आदि द्वारा व्यक्तित्व का आंकड़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, दोनों में आपको सही मिलान करना है। कालक्रम के अनुसार आयु, वह रचना के आधार, सारी क्रिया के अनुसार और मानसिक आयु में, इन सभी में आपको देखना है। कई बार क्वेश्चंस को आप कर चुके हैं इसलिए ध्यान पूर्वक मिलाइएगा, गलती नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कालक्रम आयु मैंने क्या बताया था, कालक्रम आयु जो है वर्ष, महीनों, दिनों में मापा जाता है। इसको कैलेंडर आयु, मार्कशीट 1, स्कूल एज आदि नामों से जाना जाता है। तो एक कालक्रम के अनुसार आयु का राइट हो जाएगा 4, यानी कि वर्ष, महीने और दिनों में मापन किया जाता है। और वाह रचना आयु यानी कि शरीर रचना, मतलब एनाटॉमिकल एज ज्ञात किया जाता है अस्थियों, दांतों की गणना से। तो कौन सही हो जाएगा, बी का 3 सही हो जाएगा, बी का 3 सही हो जाएगा, यानी ए का 4 और बी का 3। और शरीर, सी है शरीर क्रिया आयु यानी कि फिजियोलॉजिकल एज। तो फिजियोलॉजिकल एज में क्या होता है, जो युवा अवस्था होने लगता है, हार्मोन्स स्त्रावित होने लगते हैं, उसके कारण जो लक्षण दिखाई देते हैं उससे ज्ञात आयु को कहते हैं शरीर क्रिया आयु। तो इसका सी का क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1, कुमारी से संबंध हार्मोन्स का स्त्राव। डी है मानसिक आयु, मानसिक आयु जो है उसकी बुद्धि परीक्षण किया जाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, डी का 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलान करना है, बॉडी टाइप से रिलेटेड है। अच्छे से आई होप कि आप अच्छे से इसको मिला लेंगे। चलिए हम सब मिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों दिया है स्थूलाकार, मध्यकाय, कृशकाय, सूक्ष्म रूप। तो स्थूलाकार, स्थूलाकार मतलब गोलकार, याद रखिएगा, शब्दों का अर्थ भी समझिएगा। स्थूलाकार मतलब गोलकाय, जो क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक और सेल्डन के अनुसार होता है एंडोमोर्फिक।
तो इसकी विशेषता क्या होती है? निर्बल पाचन तंत्र। इसकी क्या स्थूलाकार का क्या होता है? कृशाकृति सूक्ष्म रूप एंड यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाता है स्थूलाकार क्या होता है, गोलकाय शरीर होता है, इसलिए निर्बल पाचन तंत्र तो हो नहीं सकता, बहुत खाने की प्रवृत्ति होता है, आनंद युक्त तो होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति का विशेषता क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक अब लगाइए, इस प्रकार के व्यक्ति का जो विशेषता है वह हो जाएगा आपका, ऐसा व्यक्ति कद छोटा होता है, चेहरा गोल होता है, शरीर मोटा होता है और बहुत खाने की प्रवृत्ति वाले होते हैं और आराम तलब होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, बहुत खाते हैं मतलब पचता है तभी तो खाते हैं, नहीं तो नहीं पचता तो कैसे खाते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आपका हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, हाँ यहाँ पे हो जाएगा बी, ए का टू हो जाएगा, ए का यहाँ पे टू हो जाएगा, यानी कि उनकी पाचन तंत्र बेहतर होता है, ठीक है। बी है आपका मध्य का है, मध्य में कौन होता है, दूसरा मध्य मतलब दूसरा हो जाएगा, क्रेसमर के अनुसार एथलेटिक और सेल्डन के अनुसार मेसोमोर्फी। तो इसकी विशेषता क्या होती है, दोनों की विशेषता सेम है, मेसोमोर्फी को एथलेटिक बॉडी ही कहा जाता है, ये अस्थि पंजर और पेशियां मजबूत होती है, विकसित होती है, मजबूत शरीर होता है, स्वास्थ्य अच्छा, बदन फुर्तीला होता है, साहसी उत्साही निडर सशक्त अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति के होते हैं, कठिनाइयों में अधिक सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एथलीट प्रकार का सुडोल काय बॉडी, ठीक है, बी का थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी है कृशाकृति, क्या है कृशाकृति, कृशाकृति जो दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, यानी कि अस्थि प्रधान व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आपका क्रिसमर के अनुसार अस्थेनिक जिसे लंबकाय बोलते हैं, असेल्डन के अनुसार आपका हो जाएगा एक्टोमोर्फिक जिसे लंबकाय यानी अस्थि प्रधान संरचना कहते हैं, और ये तो लंबा दुबला पतला कमजोर सुंदर होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, असामाजिक अंतर्मुखी होते हैं, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, दूसरों की सहायता लेने के लिए अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इसका कौन सा विशेषता हो जाएगा कृशाकृति यानी कि दुबले पतले शरीर का, कि उनका पाचन तंत्र जो है निर्बल होता है, कम ऊर्जा होता है, यहाँ पे सी हो जाएगा। डी है आपका सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप क्या क्या हो जाएगा आपका, डी का फोर ही हो जाएगा, क्रियाकलाप को प्रारंभ करना भारी बोझ के, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक हैं, तो वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक की बात कर रहा है। वृद्धि और विकास तो अनुवांशिकता पर्यावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप जानते ही हैं, और इसके पोषण स्तर, इसके क्रियाकलाप स्तर सभी प्रभावित करते हैं, बट सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अनुवांशिकता और वातावरण, उसमें भी सबसे प्रबल मुख्य घटक है, अलग अलग दिया है, तो अनुवांशिक घटक है, क्या है अनुवांशिक घटक है, यानी कि दोस्तों प्रकृति ने जिस जीव जंतु पेड़ पौधों को बनाया है उसका विकास और वृद्धि अवश्य होती है, यदि विकास एवं वृद्धि गति तेज एवं धीमी हो सकती है किंतु वह विकास प्राकृतिक होता है, शारीरिक विकास एवं वृद्धि कभी कभी अप्राकृतिक ढंग से भी होती है, जब हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो विकास की गति बोधित होती है, विकास एवं वृद्धि पर अनुवांशिकता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसमें जिस जीव के बच्चे जन्म लेंगे उसके अधिकतर गुण उस बच्चे में मौजूद रहेंगे, उसकी सारी संरचनाओं में विकास एवं वृद्धि होगी। जैसे दोस्तों ये आपके जो है मानव जीव जंतुओं पौधों दोनों पर लागू होता है, आप देखते होंगे जिस चीज का बीज अच्छा होता है पौधा भी अच्छा निकलता है, उसी प्रकार जिसके माता पिता जैसे होते हैं शारीरिक गठन में छोटे बौने होते हैं तो बच्चे भी बौने हो जाते हैं, तो ये कभी कभी उत्परिवर्तन होता है, मतलब जो एकाएक चेंजेस होते हैं उसको उत्परिवर्तन बोला जाता है, लेकिन सबसे प्रबल मुख्य घटक है अनुवांशिकता घटक, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फिजिकल डिफॉर्मिटीज यानी कि शारीरिक विकृतियों के बारे में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पक्का आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं काइफोसिस, काइफोसिस जो हमारे वक्ष वाला भाग होता है पीछे तरफ निकल जाता है, थोरेसिक यानी कन्वेक्सिटी ऑफ थोरेसिक रीजन ऑफ स्पाइन, यानी कि आप सही है ये आपका सुमेलित है,
लार्डोसिस जो होता है हमारे कमर वाला भाग जो होता है अंदर की तरफ घुस जाता है, यानी कि इनवर्ट, यानी इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन, राइट है। फ्लैट फुट जो होता है पैर में उचित चाप का न होना, ये भी राइट है। बट आपका स्कोलियोसिस जो होता है यह हमारे रीढ़ की हड्डी एक तरफ भी, जो हमारा कंधा होता है एक तरफ और ही पे एक तरफ दूसरी तरफ मुड़ जाता है, इसको ये आपका राइट नहीं है। लंबर रीजन यहाँ पे दिया है इसलिए राइट नहीं है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रारंभिक सोपान में बाल्यावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है, जो प्रारंभिक सोपान होती है उसमें बाल्यावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है, कैसी होती है? तो यहाँ पे समान गति लिखा हुआ है, यानी कि प्रारंभिक सोपान जैसे एलिमेंट्री स्टेज में बाल्यावस्था की अपेक्षा समान गति सेम पेस में वृद्धि की गति होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोशारीरिक, मनोशारीरिक मतलब मन और शरीर का मनोकारक अनुक्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है गति कौशल से, किससे संबंधित है? गति कौशल से, मनोशारीरिक यानी मन और शरीर दोनों सही रहेगा तो भी आपका गति कौशल सही रहेगा। तो गति कौशल, मनोशारीरिक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मनोशारीरिक का मनोकारक अनुक्षेत्र संबंधित है गति कौशल से, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील अवस्था अथवा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है इसको आपको छाटना है, चार ऑप्शन दिए हैं, चलिए पढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व का प्रमुख पक्ष क्या है? शारीरिक ढांचा, सही बात है। सबसे पहले हम व्यक्तित्व पर्सनालिटी को देखते हैं, सबसे पहले शारीरिक ढांचा नजर आता है, उसके बाद उसके गुण योग्यता और व्यवहार नजर आता है, तो ये बात रही राइट है। एंड बी है आपका किसी व्यक्ति का भावात्मक पक्ष अकेले ही उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, ए भी तो भावात्मक पक्ष अकेले ही तो कुछ डाउट लग रहा है, बट देखते हैं। डी है सामाजिकता व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो सामाजिकता जो है वो व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है, बिना सामाजिकता के किसी पर्सनालिटी को सही नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि मानव व्यक्तित्व अर्थहीन हो जाता है जब इसकी कल्पना बौद्धिक और मानसिक पक्षों के बिना की जाए, तो दोस्तों ये अर्थहीन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए? तो कौन सा कथन सही नहीं है? आपका सी वाला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है आपको मिलाना है शरीर रचना आयु, कालक्रमिक आयु, शरीर क्रियात्मक आयु, मानसिक आयु। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा ये। शरीर रचना आयु यानी कि अस्थियों दांतों की गणना करके ज्ञात किया जाता है शरीर रचना आयु को, बार बार आप समझ गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए का एक ही होगा, अस्थि विकास। कालक्रमिक आयु वर्षों महीनों दिनों में, जिसे कैलेंडर एज, मार्कशीट एज भी कहा जाता है, स्कूल एज भी कहा जाता है, तो बी का थ्री होगा, कैलेंडर वर्ष महीने दिन। शरीर क्रियात्मक आयु जो हार्मोनल इम्बेलेंस होते हैं, गौर लिंग विशेषताएं होते हैं, वो आपका हो जाएगा सी का फोर, ठीक है। एंड मानसिक आयु बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जाता है इससे, तो डी का टू हो जाएगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मिलान करना है दोस्तों, 11 से 14 वर्षों की आयु, वर्ष मास और दिन जान टीवी, 0 से 8 वर्षों की आयु, आपको इसको मिलान करना है। तो ध्यानपूर्वक मिलान कीजिएगा, ये 11 से 14 वर्षों की आयु क्या हो जाएगा? यौवनावस्था आरंभ होता है इसमें, ठीक है, ए का थ्री हो जाएगा, यौवनावस्था आरंभ होता है यानी कि ए का थ्री हो जाएगा। फिर वर्ष मास दिन में क्या ज्ञात किया जाता है? कालक्रमिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, तो बी का फोर हो जाएगा। जान डीवी क्या किए हैं दोस्तों? तो जान डीवी जो है तथ्यात्मक पर ध्यान देते हैं, तो सी का वन हो जाएगा, ये प्रयोगवाद के जनक भी है जान डीवी, याद रखिएगा। एंड तो सी का वन हो जाएगा। 0 से 8 वर्ष की आयु क्या होती है? बचपन की होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही विकल्प को आपको चुनना है। सोमेटो टाइप रूपरेखा 4-4-1 निर्धारित करती है। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों एक बार मैं बता देती हूँ कि सेल्डन ने 3 बॉडी टाइप दिया है। एंडोमोर्फिक यानी गोल का है, जिसे अंतरंग प्रशांत बिस्रोटोनिक भी कहा जाता है। और दूसरा दिया है मेसोमोर्फिक यानी कि सुडोल का है, जिसे सोमेटोटोनिक भी कहा जाता है। तीसरा दिया है एक्टोमोर्फिक यानी लंब का है, जिसे सेरिब्रोटोनिक प्रमस्तिष्क प्रधान भी कहा जाता है। और सेल्डन ने इसको ज्ञात करने के लिए सोमेटो टाइप स्केल का वर्णन किया है। उनके अनुसार 1 से लेकर 7 तक स्केल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एंडोमोर्फिक के लिए 7-1-1, एंडोमोर्फिक के लिए क्या दिया गया है, एंडो पहला के लिए, पहला आपका एंडोमोर्फिक है उसके लिए 7-1-1। दूसरा मेसोमोर्फिक के लिए क्या दिए हैं, 1-7-1। एंड एक्टोमोर्फिक के लिए उन्होंने दिया है 1-1-7। ठीक, तो यहाँ पे 7-1-1 का मतलब है, 7 का मतलब सबसे ज्यादा और 1 का मतलब सबसे कम। तो 7-1-1 का मतलब है, पहले आपका 7 है तो मतलब एंडोमोर्फिक की बात कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा एंडोमोर्फिक है। इस 7-1-1 का मतलब एंडोमोर्फिक टाइप का बॉडी, यानी सबसे ज्यादा कौन है इसमें, 7 है। 7 मतलब सबसे ज्यादा एंडोमोर्फिक है। फिर बीच में क्या आता है, मेसोमोर्फिक, तो बीच में 7 है, तो बीच में 7 रहेगा तो आपका मतलब वो मेसोमोर्फिक की बात कर रहा है। तो 7 का मतलब सबसे ज्यादा मेसोमोर्फिक है। और लास्ट में क्या है आपका, एक्टोमोर्फिक। तो लास्ट में आपका तीसरा में है उसका हो जाएगा 1-1-7, यानी कि सबसे ज्यादा एक्टोमोर्फिक 1-1-7 स्केल होगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तो इसका है 4-4-1। यहाँ पे 1 लास्ट में है यानी कि एक्टोमोर्फिक होगा नहीं। तो यहाँ पे 4-4 दोनों समान है, एंडोमोर्फिक मेसोमोर्फिक। जैसे शुरुआत है एंडोमोर्फिक मेसोमोर्फिक एक्टोमोर्फिक, उसी तरह सीरियल वाइज से आप लीजिएगा एंडोमोर्फिक मेसोमोर्फिक और एक्टोमोर्फिक। तो एक्टोमोर्फिक लास्ट में है तो यहाँ पे 1 है यानी कि एक्टोमोर्फिक इसमें रहेगा नहीं। तो एंडोमोर्फिक मेसोमोर्फिक इसमें राइट होगा, एंडोमोर्फिक मेसोमोर्फिक इसमें राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, बीपीएससी है, पूरा आपका खोज खोज के क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए डिटेल में पढ़िए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों में व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए अपनाए गए उपागमों को सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा सही क्रम के लिए। पहला हो जाएगा आपका मनोगत्यात्मक उपागम, फिर आपका होगा ट्रेड उपागम, फिर स्थिति उपागम, फिर पारस्परिक क्रिया उपागम। नेक्स्ट है आपका कि व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सारभाग व्यक्तित्व का सर्वाधिक बुनियादी स्तर है, यह है, यह क्या है। तो यह है आंतरिक तथा स्थिर। क्या है, व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सारभाग व्यक्तित्व का सर्वाधिक बुनियादी स्तर है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सारभाग जो है वो आंतरिक होता है, आंतरिक गुणों पर, आंतरिक तथा स्थिर। यानी व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सारभाग व्यक्तित्व का बुनियादी स्तर आंतरिक तथा स्थिर होता है, परंतु व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक गत्यात्मक समष्टि है जिस पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण से उसमें बदलाव आ सकता है। जनसाधारण में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है, परंतु मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के गुण उसकी समष्टि से, अर्थात व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण और आंतरिक दोनों से माना जाता है। जबकि लोग क्या देखते हैं, साधारण लोग सोचते हैं कि अरे देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कपड़ा पहना है, उसको व्यक्तित्व को अच्छा मान लेते हैं। बट मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है कि आंतरिक बाह्य दोनों चीज़ों को ऊपर रखता है तब उसको व्यक्तित्व को जाँचता है, बाहरी रूप से नहीं जाँचता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दबाव के व्यक्तित्व स्रोत हैं, दबाव के व्यक्तिगत स्रोत हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, व्यक्तिगत, उसमें दूसरा शामिल नहीं होना चाहिए, इसको सोच करके आंसर दीजिएगा। तो व्यक्तिगत स्रोत कौन है, स्वाभिमान आपका व्यक्तिगत है, अपना व्यक्तिगत होता है। अनुवांशिक दुश्चिंता जो है,
तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 3। अनुवांशिक दुश्चिंता और स्वाभिमान व्यक्तिगत स्रोत है और सब गौण है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अविभाज्य हिस्सा है। सही बात है। और तर्क है इसके संबंध में कि शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा दोनों का लक्ष्य संपूर्ण व्यक्तित्व विकास है। तो सही बात है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी कि विविक्त चर आपका हो जाएगा ए का 4, सिटअप्स, गोल स्कोर, गुणपरक चर में हो जाएगा आयु, आईक्यू स्कोर, निरंतर चक्र में चर में हो जाएगा, निरंतर चर में हो जाएगा ऊंचाई और वजन, नियंत्रित चर में हो जाएगा रूप टेम्परेचर सैंपल साइज। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो व्यक्तित्व के एक है मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत, एक है ट्रेट थ्योरी कैटल का, यानी कि वन और थर्ड राइट होगा। वन और थर्ड किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो वन और थर्ड किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे सोशल लर्निंग, यहाँ पे व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात कर रहा है दोस्तों। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका नहीं होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। सोशल लर्निंग थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात कर रहा है। सोशल लर्निंग थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी। अब मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। तो मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत के 5 भाग में बांटा गया है। उनका कहना है कि सबसे पहले हमारी एक फिजिकल आवश्यकता होती है दैहिक या शारीरिक, उसके बाद हमको हमारी आवश्यकता पूर्ति हो गई तो उसके लिए हमको सुरक्षा की चाहिए, दूसरा स्टेज सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब तीसरा स्टेज में उनको संबद्धता और स्नेह समाज की आवश्यकता होती है, स्नेह की आवश्यकता। उसके बाद वो चाहता है कि समाज में हमको सम्मान मिले, सम्मान की आवश्यकता। लास्ट में स्टेज में आ जाता है अवधान यानी कि ध्यान की, अध्यात्म की भावना। ये 5 चीज़ें हुई। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। एंड दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय।